ऐसा वाला पैच आता है तो एक मैंडेटरी स्टॉप लेना चाहिए। एकदम ऐसे पैसा वसूल टाइप लोकेशन है। अभी मैं ये एपिक लोकेशन पे बैठ के मेरा लंच एंजॉय करूंगी। मुझे ना ये ऐसी जगह मिली है कि जहाँ पे मैं जस्ट ये मुझे पहले लगा कि ये चाय की टपरी होगी, लेकिन ये चाय की टपरी बिल्कुल भी नहीं है। ये सिर्फ पता नहीं किसके लिए ये ऐसे बनाया है, दो तीन टेबल्स है और मैं यहाँ पे रुकी हूँ क्योंकि आपको सुनाई दे रहा है क्या? क्योंकि मुझे ना ज़ोर से बोलना पड़ रहा है, मैं हाईवे पे हूँ और गाड़ियाँ बहुत स्पीड से जा रही है। और ये है मेरा आईफोन और वो काफ़ी गर्म हो चुका है। यू कैन सी कि यहाँ पे लिखा है कि टेम्परेचर आईफोन नीड्स टू कूल डाउन बिफोर यू कैन यूज़ इट। फोन भी बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका है, वो थोड़ा ठंडा हो जाए और मैं मैप चेक कर सकूँ। अभी ना मेरे पास दो ऑप्शंस है कि यहाँ से मैं उसगांव डैम की तरफ जा सकती हूँ, और उसगांव डैम का जो मैंने लास्ट टाइम राइड किया था तब मैंने बोला था कि मुझे ये और एक्सप्लोर करना अच्छा लगेगा, तो वो एक ऑप्शन है। और दूसरा ऑप्शन मेरे पास ये है कि ऑप्शन नंबर टू, मेरे पास दूसरा ऑप्शन ये है कि अभी मैंने घर से निकल के टाइम एक जगह देखी थी, वो जगह का नाम इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो वो जगह का नाम है सिंचन डैम, और वो मेरे घर से ऑलमोस्ट 2 घंटे पे था और अभी मेरा 1 घंटा क्रॉस हो चुका है, तो शायद ये जगह से मुझे और 1 या 1.5 घंटा बाइक चलाना पड़ेगा सो दैट आई विल बी एबल टू रीच दैट प्लेस। वो ऑप्शन है। फ़ोन चेक करते हैं, ठंडा हो गया, ठंडा हो गया, ठंडा हो गया, ये फ़ोन ठंडा हो गया, बट यहाँ पे लगा दिखा रहा है नो सर्विस। सर्विस भी आ गई तो चलो देखते हैं। लेट मी ओके, ये 3G आ गया, 3G तो यहाँ से 1 घंटा लगेगा। अगर मैं सिंचन डैम की तरफ जाती हूँ तो मुझे सीधा 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 जाना है हाईवे से और सीधा ही जाना है। वाओ, ये पूरा ग्रीन दिख रहा है यहाँ पे। तो मेरा आईफोन चालू हो गया, तो जैसे मैंने बोला मेरे पास दो ऑप्शन है। सच बोलूँ ना, अब माइंड बोल रहा है कि तू जा बेल्ला डैम के यहाँ पे जा, वो प्लेस काफ़ी पता है मुझे, क्लाइमेट काफ़ी चेंज हो रहा है। अभी 5 मिनट में आपको धूप दिखाई देगी और 5 मिनट में ऐसा क्लाइमेट हो जाएगा कि ऐसे लगेगा कि बारिश कभी भी आ सकती है, लेकिन मेरा दिल कहता है कि मैं ना सिंचन लेक की तरफ जाऊं जो कि अभी यहां से 1 घंटे पे है। कन्फ्यूज हो गई यार, मतलब सिंचन करके एक तो नाम बहुत इंटरेस्टिंग है, वो तो कार्टून कैरेक्टर है, वो उतना ही मुझे पता है और ये जगह के बारे में मुझे और कुछ पता नहीं है। तो दिल की सुनूँ या दिमाग की सुनूँ, क्वेश्चन ऑफ द डे, दिल की सुनते हैं, सिंचन डैम जाते हैं, थोड़ा अननोन प्लेस देख लेते हैं, क्या बोलते हैं, जाते हैं? ज़्यादा पैकिंग किया है एक्चुअली, मुझे रोज़ाना ऐसे ही पूरा स्कार्फ एंड ऑल लगाना चाहिए, काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। अभी भी 23 किलोमीटर दिखा रहा है मुझे, पेट्रोल देखने दो, पेट्रोल इज लिटिल लेस दैन हाफ टंकी।
याद है इसको ना कदम्बा बोलते हैं, इसको ना वाइट कलर के देन पेटल्स आते हैं। थोड़ी सी हवा खाते हैं वाइजर ओपन करके। और क्या ब्यूटीफुल प्लेस है यहाँ पे, सी ये मस्त ऐसा खाली खाली ब्लू स्काई, वाओ काले बादल भी है कहाँ कहाँ पे। ये रोड जाता है टूवर्ड्स केलवा बीच की तरफ और बीच में ही शायद मेरे ख्याल से सिंचन लेक आ जाएगा। अभी मैंने रुका के देखा तो 25 मिनट्स यहाँ से दिखा रहा है। दो तीन बार मैं रास्ता चूक गई तो थोड़ा टाइम लगा। एक बात अच्छी है कि बारिश नहीं हो रही है और दूसरी बात ये अच्छी है कि गर्म भी नहीं हो रहा है, मतलब इट्स अ वेरी नाइस प्लेजेंट क्लाइमेट। लेट्स कंटिन्यू। मस्त रोड है, रोड कहाँ पे जाएगा लेकिन थोड़ा वाह। लुक एट दिस लोकेशन, सिंचन लेक। गुड आफ्टरनून, आपके दर्शन के लिए मैं इतना दूर से आई हूँ। चार पांच बच्चे हैं और क्या कर रहे समझ में नहीं आ रहा है, और वहाँ से और भी कुछ लोकल लोग आ रहे हैं। ये पहाड़ कितने ब्यूटीफुल है। अभी ये यहाँ पे पानी कम लग रहा है मुझे ये लेक में, क्योंकि अभी अभी समर ख़त्म हो गया है, बारिश में इसकी लेवल हाई हो जाएगी। सामने ना वो जो बंदे लोग आ रहे थे ना, मैंने बोला वो उसमें से बहुत सारे लोग पानी में स्विमिंग कर रहे हैं, कितना सही ना। लेक के बीच में एक ऐसी सड़क बन चुकी है और वहाँ पे दो तीन लोग टू व्हीलर लेके गए हैं। वो दो डॉट्स दिखाई दे रहे हैं वहाँ पे दो बंदे लोग स्विमिंग कर रहे हैं। एकदम ऐसे पैसा वसूल टाइप लोकेशन है। बाय द वे मुझे अभी तो देखना है कि ये ट्री कौन सा ट्री है। सी हैज उसको ना ऐसे येल्लो कलर के फ्रूट्स भी है ऊपर ऊपर, ये वाले को नहीं है, बट इफ यू कैन सी देयर वहाँ पे येलो कलर के फ्रूट्स है। और नीचे ऐसे घर, वो नीचे ऐसे बहुत मस्त क्यूट सा घर है। थोड़ा आगे जाती हूँ, वाओ वेरी नाइस। आप यहाँ पे ही रहते हो क्या? तो यहाँ से आगे ये रोड कहाँ पे जाता है? इतना ही है। और ये लेक तालाब इतना ही है। जाने का मन नहीं कर रहा है यार, सच में यहाँ पे रुकने का मन कर रहा है। एक एक सेकंड में यहाँ पे क्लाइमेट चेंज हो रहा है। अभी धूप है, दो सेकंड रुको, ऐसा लगेगा कि बारिश होने वाली है। चलो अभी घर जाने का टाइम आ गया। मेरी नज़र ना उनसे हट नहीं रही है, मतलब जिस तरीके से वो ऐसे पूरा एंजॉय करते हुए स्विमिंग कर रहे हैं ना, बहुत सही लग रहा है। चलो अभी निकलते हैं, 4 बज गए
और मुझे घर पहुँचते पहुँचते और 2.5 से 3 घंटा लगेगा, क्योंकि अभी मैं एक ब्रेक लूँगी, मुझे कुछ खाना है, एज सच लंच किया नहीं है। चलो रास्ते में बात करेंगे। कैसे दी ले? हाँ मला आता खायला पाहिजे 3। मुझे ऐसे लग रहा है कि मेरा खाने का इंतज़ाम हो गया। यहाँ पे बहुत सारी दादियाँ बैठी है। हाँ थामो थामो चांगले मी खाऊ शकते आता आता खाऊ शकते। एक कमी करा मला एक नको आहे एक एवढे नाही खाणार मी। तो ये दादी के पास से मैंने मेरा लंच बाय किया। ये है मेरा आज का लंच, 3 मैंगोज। अभी मैं ये एपिक लोकेशन पे बैठ के मेरा लंच एंजॉय करूँगी। हंसने के लिए क्योंकि उनका दांत एक यहाँ का नहीं है, इसलिए। तो क्या हुआ आप स्माइल, तू भी स्माइल कर रहा था। माइक को दांत का एक ठीक है। थैंक मैंगो लंच इज ओवर, नाउ आई एम गोइंग होम, बाय। 2 मैंगोज मैं घर लेके जा रही हूँ, मेरा एक सही काम हो गया। ऐसा वाला पैच आता है तो एक मैंडेटरी स्टॉप लेना चाहिए, क्या बोलते हो? कितना स्मूथ मक्खन जैसा रोड है ये, वाओ। पूरे राइड में बारिश नहीं हुई, जो अभी लास्ट 15 मिनट में हुई। मेरा हेलमेट ना अभी ऐसे यहाँ से गिरने वाला था। एनीवेज आज के राइड में मैंने ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर्स कवर किए और ये काफ़ी अच्छा राइड था और ये डेस्टिनेशन भी अच्छा है। ये व्लॉग मैं यहाँ पे ही ख़त्म कर रही हूँ। सो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया देन हिट दैट लाइक बटन, यू कैन शेयर दिस वीडियो ऑल्सो एंड सब्सक्राइब करो अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।